हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सरल डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये फोर फंदों की डिज़ाइन है, इसलिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जब हम फंदे डालेंगे वो फोर के मल्टीपल्स में डालेंगे। यहाँ पर मैंने 16 फंदे डाले हैं। टू रो का बॉर्डर बना है जो कि दोनों ओर से सीधे सीधे फंदों से बनाया गया है। ये डिज़ाइन बनाने में इतनी इजी है इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप सिंगल कलर में, जैसा कि मैंने बनाया है, जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं और लेडीज स्वेटर में, कार्डिगन में डाल सकती हैं आप, कोटी में डाल सकती हैं, और डबल कलर या मल्टी कलर में आप बच्चों की फ्रॉक में डाल सकती हैं, शॉल में डाल सकती हैं। इस डिज़ाइन को आप सिंगल कलर में बना सकती हैं, मल्टी कलर में बना सकती हैं और डबल कलर में आसानी से बना सकती हैं। वैसे तो ये फोर रो की डिज़ाइन है, लेकिन एक बार डिज़ाइन बनाने के बाद जब हम दूसरी बार शुरू करते हैं तो डिज़ाइन की जगह चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने चेंज की है, इसलिए ये फोर की जगह एट रो की डिज़ाइन हो गई है। डिज़ाइन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले से ही हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। और अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन या मेरे चैनल की कोई भी डिज़ाइन पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो, यहाँ पर मैंने कलर चेंज कर लिया है जिससे कि आप देख सकें डबल कलर में ये डिज़ाइन कैसी लगती है। तो कलर हमने चेंज कर लिया है। पहला फंदा हम, वैसे तो हम स्लिप कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरा कलर लगा होने के कारण इसको हम सीधा बुन लेंगे। अब उनको अपनी तरफ आगे करेंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, और इसके बाद ये जो दो फंदे हैं, चार फंदों की डिज़ाइन है, तो ये दो फंदे हुए, दो फंदे ये हुए, ये दो फंदों से आगे से एक फंदा बना लेंगे सीधा। उसके बाद जो पहला फंदा है दो फंदों में, इस फंदे से एक सीधा फंदा बना लेंगे। इस तरह से ये हमारी चार फंदों की डिज़ाइन हो जाएगी। फिर इसी तरह से बुनेंगे, उनको अपनी तरफ आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, ये जो दो फंदे हैं इनमें आगे से एक फंदा सीधा बुनेंगे दो फंदों से, और उसका जो आगे वाला फंदा है इस फंदे से एक फंदा सीधा बुनेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है, दो फंदे उल्टे बनाए जाएंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, और दो फंदों से पहले एक फंदा बनाएंगे आगे से सीधा बुन करके, फिर जो आगे वाला फंदा है दो फंदों में उससे एक सीधा फंदा बनाएंगे। इस तरह से हम पूरी रो बनाएंगे। ये दो फंदे हम फिर उल्टे बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे। इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम डिज़ाइन की सेकंड रो पर हैं जो कि बैक साइड से है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, इसके बाद उनको पीछे करेंगे, दो फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को हम सीधा बुन लेंगे, उनको अपनी तरफ आगे करेंगे, दो फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को उल्टा बुन लेंगे। पूरी रो हमें दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे इस तरह से बनानी है। जो फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं उन्हें सीधे सीधा सीधा बुनेंगे, और जो दो फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे। ये डिज़ाइन की सेकंड रो है जो कि बैक साइड से है। दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे, इस तरह से हमें पूरी रो बनानी है। लास्ट का फंदा उनको अपनी तरफ आगे करके उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम डिज़ाइन की थर्ड रो पर हैं। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, इसके बाद जो दो उल्टे फंदे बने थे यहाँ पर हम इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, और इसके बाद ये जो दो फंदे हमने बिने थे इन दोनों फंदों में क्या करेंगे, हम पीछे वाला फंदा सीधा पहले बुन लेंगे और आगे वाला फंदा ये जो है इसको सीधा बाद को बुनेंगे। इस तरह से केबल की तरह बुन लेंगे, फिर उनको अपनी उनको पीछे ही रहने देंगे, उल्टे वाले दोनों फंदे सीधे बुने जाएंगे,
और जो ये दो सीधे वाले फंदे हैं इनमें पीछे वाला फंदा पीछे से सीधा बुना जाएगा, ये इस तरह से पीछे से सीधा बुन लेंगे और आगे वाला फंदा आगे से सीधा बुन लेंगे, केबिल जैसे बुनते हैं उस तरह से सीधा बुन लेंगे। फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे, चार फंदों के डिजाइन है, दो फंदे सीधे बुने जाएंगे और जो डिजाइन वाले फंदे हैं उनमें पीछे वाला फंदा सीधा पहले बुनेंगे और आगे वाला फंदा सीधा बाद को बुनेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, डिजाइन की थर्ड रो जो कि राइट साइड से है। ये हमारी रो थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम डिजाइन की फोर्थ रो पर हैं जो कि बहुत ही आसान है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और इसके बाद के सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। डिजाइन की फोर्थ रो सारे फंदे उल्टे उल्टे बिने जाएंगे। फोर्थ रो हमारी बैक साइड से है, उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी। पीछे से हमारी यानी बैक साइड से हमारी डिजाइन इस तरह से दिखाई देती है और राइट साइड से हमारी डिजाइन बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, एकदम उभरी हुई खूबसूरत सी दिखाई देती है। ये मेरी बैक साइड है इस डिजाइन की और ये हमारी डिजाइन की राइट साइड है। फोर रो बना करके एक बार मैंने डिजाइन कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी बार जब डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन की जगह हम चेंज कर देंगे। डिजाइन की फिफ्थ रो जो कि राइट साइड से है, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब इन दोनों फंदों पर डिजाइन बनाएंगे और इसके बाद वाले फंदे उल्टे बिने जाएंगे। तो इन दोनों फंदों पर डिजाइन कैसे बनाएंगे, ये दोनों फंदे आगे से इस तरह से ले लेंगे फर्स्ट रो की तरह, दो फंदे एक साथ बिने जाएंगे, फिर आगे वाला फंदा जो है इसको अकेले सीधा बुन लेंगे, उनको अपनी तरफ आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। दो फंदों पर डिजाइन बनानी है, ये दोनों फंदे इस तरह से, दो फंदों से एक फंदा सीधा बुना जाएगा, फिर आगे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे और इसके बाद उनको अपनी तरफ आगे करके दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। इसी तरह से पूरी रो हम बनाएंगे। अब हम डिजाइन की सिक्स रो पर हैं। पहला फंदा स्लिप करके उनको अपनी तरफ आगे करेंगे, दो फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे और दो फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे और जो फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुन लेंगे। दो फंदे उल्टे बनाएंगे जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं और दो फंदे सीधे बनाएंगे जो सीधे दिखाई दे रहे हैं। चार फंदों की डिजाइन है, दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे। हम डिजाइन के सेवंथ रो पर हैं। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, डिजाइन वाले जो दो फंदे हैं इनमें से पीछे वाले फंदे को पहले सीधा बुन लेंगे केबिल की तरह और आगे वाले फंदे को आगे से केबिल की तरह बुन लेंगे और जो दो उल्टे फंदे थे इन दोनों फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। डिजाइन वाले फंदों को जो दो फंदे हैं उन्हें पीछे वाले फंदे को पहले बुन लेंगे सीधा और आगे वाले फंदे को बाद को सीधा बुनेंगे केबिल की तरह और दोनों उल्टे फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। पूरी रो इसी तरह बनानी है। डिजाइन की एड रो सबसे सरल है, पूरी रो हमें उल्टे उल्टे फंदों से बनानी है। बैक साइड से पूरी रो हमें उल्टी उल्टी बनानी है। तो फिर कैसी लगी आपको ये डिजाइन? आशा करती हूँ आप सभी को ये डिजाइन बहुत पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की, उठाइए ऊन सिलाई और इस डिजाइन को बनाना शुरू कर दिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई डिजाइन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।